आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन यू आई 6.1 के लॉक एंड होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बारे में कि आखिर कैसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने वॉलपेपर को लॉक एंड होम स्क्रीन के ऊपर में। तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वन यू आई 6.1 में कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो होम एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर में। तो यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर हमें वॉलपेपर एंड स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर में क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से वॉलपेपर एंड स्टाइल हमें देखने को मिलेगा। नीचे के साइड में और भी फीचर्स है लेकिन हम लोग बात करेंगे इस लॉक और होम स्क्रीन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लॉक स्क्रीन के ऊपर में क्लिक करेंगे और ऊपर के साइड में हमें वॉलपेपर चूज करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग कोई से भी यहाँ पर वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कलर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई सा भी एक कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये ओपन हो गया है। नीचे के साइड में हमें कलर देखने को मिलता है, तो इस कलर के ऊपर मैं क्लिक करके इस वॉलपेपर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद आता है यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर स्टाइल मिल जाता है, स्टाइल में भी देख सकते हो बहुत सारे स्टाइल है, मतलब कि यहाँ पर वॉलपेपर देख सकते हो किस तरीके से चेंज हो रहा है और जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ से वो स्टाइल आप कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए वो कलर भी आप कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पर हमें मिल जाता है दो आइकन्स, यानी कि दो यहाँ पर एप्लीकेशन अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर में सेट कर सकते हो। इसके ऊपर में क्लिक करना है और जो भी एप्लीकेशन आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर में चाहिए बस उसके ऊपर में क्लिक कर देना है और वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन ऊपर में सेट हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर सेट कर सकते हो या फिर फोन या और भी एप्लीकेशन। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम है, इसके ऊपर में क्लिक करना है एक बार और नीचे के साइड में आपको ढेर अलग अलग तरीके के यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये यूज करना है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और उसके साथ में यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं पहले वाला रहने देता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर आपको आइकन्स मिल जाता है, मतलब कि जो भी आइकन्स यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर में। आप बैटरी इंडिकेटर, यहाँ पर कैलेंडर, क्लॉक्स, इन सभी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये चीजें हैं और यही नहीं, इसका आप कलर्स को भी नीचे के साइड में चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर सेपरेट कलर चेंज नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक ही बार में कलर चेंज होता है, तो कुछ इस तरीके का। और जब भी आप ये सब कर लोगे उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। यहाँ पर आप इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये भी काफी अच्छी यहाँ पर फीचर्स है जो कि आप यूज कर सकते हो वन यूआई 6.1 में। उसके साथ ये सब कुछ होने के बाद डन करके आप सेव कर लो। उसके साथ में यहाँ पर आप देखते हो कि ये है होम स्क्रीन वॉलपेपर, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। आप इन सभी वॉलपेपर को सिलेक्ट करोगे जो कि इनमें पहले से ही स्टॉक है, तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। आपको गैलरी से ही कोई सा एक यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप कस्टमाइज ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स मिल जाता है, कलर्स में वही जो कि मैं लॉक स्क्रीन पेपर आपको बताया था वही सब कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर गैलरी से मैं एक फोटो को मैं गैलरी से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके, और ये देख सकते हो कि ये आ चुका है हमारे होम स्क्रीन के ऊपर में। ऊपर के साइड में आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, नीचे के साइड में आपको मिल जाता है फ्रेम। तो फ्रेम यहाँ पर क्लिक करना है और अलग अलग तरीके का यहाँ पर फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का फ्रेम। और यही नहीं, आप अपने फोटो को जूम कर सकते हो और कुछ इस तरीके से करके ये ऐसा लगेगा कि ये जो फ्रेम है उसके बाहर है। उसके साथ में यहाँ पर कलर भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, देख सकते हो कुछ इस तरीके का कलर आपको मिल जाता है बैकग्राउंड का, और कलर भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी कलर चाहिए। और उसके साथ में यहाँ पर इरेज बैकग्राउंड भी मिल जाता है, इस इरेज बैकग्राउंड के ऊपर में क्लिक करना है आपको, और जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका जो वॉलपेपर है वो बन जाएगा। यहाँ पर कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए आपको वो सब कलर। उसी तरीके से अगर आपको कलर इसमें पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई कलर ऐड कर सकते हो। तो ये सभी कस्टमाइजेशन आपको मिलता है वन यूआई 6.1 के यहाँ पर लॉक एंड होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में, और ये सब होने के बाद आप यहाँ पर डन करके सेव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।